गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। स्वारघाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख कैश और 7.5 किलो चांदी सहित पकड़ा पंजाब का कारोबारी। बिना उद्घाटन के ही पुल पर शुरू हो गई वाहनों की आवाजाही, अब विभाग करेगा कार्रवाई। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली का विशेष प्रयास, महामारी से निपटने में मिली मदद। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर लंबे अरसे से बंद पड़ी रेल सेवा, जनता ने की ये मांग। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने गुरुवार देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना स्वारघाट पुलिस ने रात के समय स्वारघाट चौक पर नाके के दौरान मंडी से चंडीगढ़ की तरफ जा रही एक कार में बैठे पंजाब के व्यक्ति से 20 लाख कैश और 7 किलो 780 ग्राम चांदी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने आबकारी एवं कराधान विभाग और आयकर विभाग को सूचना दे दी है। पकड़े गए शख्स की पहचान पंकज लूथरा निवासी दिलबाग नगर जालंधर के रूप में हुई है। व्यक्ति के पास से पकड़ी गई चांदी बिना बिल की थी। एसपी बिलासपुर एसआर राणा ने बताया कि बिना बिल के सामान लाना और ले जाना गैर कानूनी है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और आबकारी एवं कराधान विभाग और आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। आज प्रातः सुबह के समय में स्वारघाट पुलिस रूटीन में जब अपना चेकिंग और नाकाबंदी के कार्य में व्यस्त थी, तो उसमें एक गाड़ी जो जिसका नंबर PV08EA9551 कार जो मंडी से किरतपुर की तरफ जा रही थी, तो उसको रूटीन में चेकिंग के लिए रोका गया। जब यह गाड़ी चेकिंग के लिए रोकी गई तो इस पे दो लोग, ड्राइवर के अलावा एक और आदमी इसमें ट्रेवल कर रहा था। जो ड्राइवर था उसका नाम पंकज लथोरिया, ये जलंधर का रहने वाला है, और दूसरा जो है वो स्मार्ट सोनिक, ये 16 साल का है लड़का जो स्मार्ट सोनिक है। ये दो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे। गाड़ी का जब डिटेल से चेकिंग किया गया तो गाड़ी के बीच में 20 लाख रुपए कैश और 780 ग्राम जो है वो इस पे सिल्वर पाया गया। जब इनसे 20 लाख जो कैश था उसके बारे में जब डॉक्यूमेंट्स या कोई पेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया, और जो कि 7 किलो 780 ग्राम जो चांदी था कि आप इसके संबंध में कोई पेपर्स पुलिस को प्रोड्यूस करें, तो ये कोई भी कागजात इस कैश और ये जो चांदी था इसके संबंध में पुलिस के समक्ष पेश ना कर पाए। तो पुलिस ने ये जो कैश और ये जो चांदी है इसको टेम्परेरीली अपने पोजीशन में लिया हुआ है। इस गाड़ी को वहाँ डिटेन किया गया है और अब कैश और ये जो चांदी है इसके संबंध में एक फॉर्मल चिट्ठी जो है, एक पत्र जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट को भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि इन दोनों मैटर्स में इसका जो है वो वेरीफाई करें, क्योंकि ये उनके परव्यू में आता है, उनकी ज्यूरिडिक्शन में आता है। कैश जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा और ये जो 780 ग्राम्स जो चांदी है इसको जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग जो है वो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन करेंगे। तो पुलिस को केवल इसमें यही कार्रवाई है कि हमने इनको तब तक डिटेन किया है जब तक ये दोनों डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँच करके अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू ना करें, तब तक इन दोनों लोगों को गाड़ी और ये जो कैश। और सुजानपुर की दाड़ला पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से पुंग खड के ऊपर बना पुल बिना उद्घाटन के ही वाहन आवाजाही के लिए शुरू हो गया है। इसकी सूचना विभाग को भी नहीं है। पुल के ऊपर वाहन दौड़ने की सूचना मिलते ही विभाग ने पुल के ऊपर से वाहन आवाजाही बंद करवा दी है, और जिस किसी ने भी पुल के ऊपर या आवाजाही शुरू करवाई है विभाग उसके ऊपर कार्रवाई करने के मूड में है। सुजानपुर लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता परविंदर कुमार ने बताया कि जिस किसी ने भी वाहन आवाजाही शुरू की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। उद्घाटन होने के बाद ही पुल जनता की सुविधा के लिए खोला जाएगा।
कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा कसौली रिजॉर्ट में नेशनल मीडिया हेल्थ जर्नलिस्ट नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला का शुभारंभ बुधवार से हुआ। इस कैंप में देश भर के टीवी चैनल व पत्रकारों ने भाग लिया। कैंप में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने कोविड महामारी के स्तर के दौरान केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा यहां आने वाली विभिन्न कंपनियों की कोरोना वायरस रोधी दवाइयों को विभिन्न मापदंडों पर जांच परख कर समय समय पर अनुमोदित किया जाता है, जिससे देश को इस महामारी से निपटने में काफी मदद मिली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की एक टीम आज कसौली और CDL में आई। इसमें करीबन 15-16 प्रिंट मीडिया से लोग थे, उसके अलावा कुछ जर्नलिस्ट टीवी से भी थे, कुछ विजुअल मीडिया के लोग थे। इन सब ने एक मीटिंग करके ये जानने की कोशिश की बेसिकली CRI या कसौली या CDL जो कि CRI कसौली का एक पहले पार्ट था, उन सब का रोल क्या है या आजकल वो किस तरह का काम कर रहे हैं, देश के आने वाले हालात में आज के कोरोना के संदर्भ में क्या क्या प्रोग्रेस यहाँ पे किया जा चुका है। आप सब लोग जानते हैं CRI कसौली बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है और बहुत ही हिस्टोरिकल टाइम से यहाँ पे वैक्सीन बनाया जाता है। वैक्सीन और इम्यूनोबायोलॉजिकल्स यहाँ का मेन फोर्टे है और उसके साथ साथ रिसर्च, जैसा नाम से ही पता चलता है केंद्रीय रिसर्च अनुसंधान यूनिट है, तो इसका मतलब यहाँ पे अनुसंधान होते रहते हैं। सबसे पहले रेबीज़ का वैक्सीन भी यहीं पे बना था और जो पहले डायरेक्टर थे डॉक्टर सैंपल, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर कसौली की, उन्होंने ही सैंपल वैक्सीन बनाया था। इसके अलावा जो एक डायग्नोस्टिक फीचर होता है रेबीज़ का, ब्रेन में देखा जाता है नेगेटिव बॉडीज, वो यहाँ के सेकेंड डायरेक्टर थे, उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया था। तो बहुत रिच हिस्ट्री है उसके कंटेक्स्ट में और शायद यही वजह है कि दिल्ली से स्पेशली एक टीम को भेजा गया ताकि वो जान पाए कि यहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है और देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है हम लोग किस तरह से उसे पूरा कर रहे हैं। मैम, कोरोना काल में CDL कसौली ने बेहतरीन काम किया है, मैम उसके बारे में क्या? अच्छा, पहले तो बताना चाहूँगी कि CDL एक इंडिपेंडेंट यूनिट है और CRI कसौली दूसरा यूनिट है। हालांकि CDL CRI कसौली का ही एक पार्ट था 2005 तक, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट यूनिट बना क्योंकि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। तो ये अच्छा है क्योंकि हम लोग भी अपनी वैक्सीन उनके पास भेजते हैं जाँच के लिए और लाइसेंसिंग के लिए, तो एक ही इंस्टीट्यूशन में होना ठीक नहीं था, तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। CDL का काम, उनका मैंडेट है वैक्सीन को लाइसेंस देना, तो इसलिए जो भी वैक्सीन इस कंट्री में आती है वो CDL के लेबॉरेटरी से पास होना ज़रूरी है। तो जब कोविड वैक्सीन आई तो उनका भी पासिंग और लाइसेंसिंग का कार्य यहीं पर पूरा हुआ। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर पिछले 18 महीनों से रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं, जिसके कारण क्षेत्र की जनता परेशान है। लोगों के कड़े रुख के बाद विभाग ने कुछ ट्रेन चालू करवा दी, लेकिन सभी गाड़ियों को अभी तक विभाग नहीं चला पाया है। बताते चले कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर वर्ष में मुश्किल से 6 से 7 महीने ही यातायात चालू रहता है, जिसके कारण जनता को दिक्कत होती है क्योंकि बस यातायात के अतिरिक्त केवल मात्र रेलवे ही इस क्षेत्र के लिए यातायात का विकल्प है। लोगों की मांग है कि कांगड़ा घाटी रेल मार्ग को तुरंत दुरुस्त करवाकर इस पर सुचारू रूप से रेलगाड़ियां चलाई जाएं, साथ ही किराए में भी कटौती की जाए।